हाय वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आए हैं नीलकंठ महादेव जी के मंदिर, जो कि ब्यावर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अभी हम अंदर जा रहे हैं, वहाँ का आपको दिखाएंगे। दोस्तों, अभी हम आ गए हैं नीलकंठ महादेव जी के मंदिर। अभी हम मंदिर में अंदर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं, इसमें आप प्रसाद ले सकते हैं। ये सामने है महादेव जी का मंदिर। ये अंदर आकर आप महादेव जी के दर्शन कर सकते हैं। ये भी काफी पुराना मंदिर है। जल भी चढ़ा सकते हैं आप यहाँ पर। ये मंदिर के सामने का नज़ारा, यहाँ पर काफ़ी पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये वैष्णो देवी जी के मंदिर जाने की सीढ़ियाँ, पैदल रास्ता है वहाँ का। यहाँ पर एक गुफा का भी रास्ता है, वहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल बंद है। ये गेट लग रहा है, वो गुफा का रास्ता है। इसके ऊपर साइड में पैदल रास्ता जा रहा है, अभी हम वहाँ से जाएंगे। ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, इसके दोनों तरफ पहाड़ हैं, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा आता है यहाँ पर। ये इसका जाने का रास्ता, इन दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट है पूरी तरह से।
भैरव जी का मंदिर, ये वैष्णो देवी जी का जो मंदिर है उसके साइड से ही रास्ता जा रहा है यहाँ पे जाने का। आप जब भी वैष्णो देवी मंदिर आओ तो भैरव जी के मंदिर जाना ज़रूरी होता है, वरना माँ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं वैष्णो देवी मंदिर जाना। तो इसलिए आप जब भी वैष्णो देवी मंदिर आओ तो आपको भैरव जी के मंदिर जाना ही पड़ेगा, तभी आपके मनोकामना पूरी होगी और तभी उसके दर्शन पूरे माने जाते हैं। तो यहाँ पे बना हुआ है, इधर थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है और थोड़ा जंगल सा भी। अभी इसका भी बताते हैं आपको ऊपर जाकर, ऊपर से किस तरह का है। यहाँ पे काफी लोगों ने छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं, ऐसे घर बनाकर लोग अपनी मनोकामना मांगते हैं, पूरी करते हैं। यहाँ पे भी सूरज जी का चक्र सा बना हुआ है, काफी लोगों ने छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं। ऊपर जाने की सीढ़ियाँ, ये भैरव जी का मंदिर सामने। बैक साइड का व्यू, और सामने वैष्णो देवी का मंदिर, इसके साइड से ये रास्ता आ रहा है इधर आने का। और ये सामने नीलकंठ माधव जी का मंदिर, बरसातों के दिनों में यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है। अभी हम आपको दूसरी तरफ से नीचे ले चलते हैं, ये दूसरा रास्ता है। ये इधर एक कुंड बना हुआ है, गौरी कुंड नाम है जिसका, रखा हुआ है गौरी कुंड। ये बरसातों में फुल भर जाता है, तो यहाँ पर पानी से ऊपर चादर चलती है जो इधर नीचे जाती है। अभी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। अब इधर से वापस नीचे जाते हुए वैष्णो देवी माता के मंदिर से वापस, यहाँ पर मोर काफी मात्रा में, मतलब 3-4 मोर तो यहीं पे घूम रही है अभी। अभी अब हम आ गए वापस नीचे की तरफ। हाँ, नीलकंठ महादेव जी का मंदिर, और ये गौरीकुंड से सीधा इधर आ रहा है। बरसातों के टाइम पे जब पानी भर जाता है तो ऊपर से चादर चलती है जो इसके द्वारा उधर जाती है, तो उस टाइम पे काफ़ी अच्छा व्यू आता है यहाँ का। तो ये था दोस्तों नीलकंठ महादेव, जो भी हमने आपको दिखाया वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।